हमारे देश में आलू की खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत विश्व में आलू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। आलू का उत्पादन एक समान आकार का होना किसान भाइयों के लिए चुनौती भरा काम होता है, लेकिन किसान भाई कड़ी मेहनत, कुछ अभ्यास और रसायनों का प्रयोग कर बड़े आकार के आलू का उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आलू के एक समान आकार के कंद के लिए कई सारे कारक उत्तरदायी हैं। खेत की तैयारी। किसान भाइयों को आलू के बड़े आकार के कंद के लिए सबसे पहले भूमि को डिस्क हल से 25 से 30 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे सूर्य के प्रकाश पड़ने से सौर करण की वजह से मिट्टी जनित रोग और कीटों से बचाया जा सकता है। और आलू की रोपाई से 10 दिन पहले 2 से 3 बार हैरो की मदद से अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों को खेत की अंतिम जुताई करते समय 10 से 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद यानी FYM मिट्टी में मिला देनी चाहिए। आलू की फसल में 50 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ पिसी हुई नीम की खली का उपयोग कीड़ों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए और पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए करना चाहिए। किसान भाइयों, आलू की बुआई मेड़ों पर करनी चाहिए, इससे मिट्टी ज्यादा नरम रहने से आलू के कंदों के बढ़ने में मदद मिलती है। किसान भाई, क्या आप जानते हैं कि आलू के कंद छोटे क्यों हो जाते हैं? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। मिट्टी चढ़ाना। किसान भाई, जब आलू के पौधे करीब 6 से 8 इंच के हो जाएं तो इनके नीचे से पहली पत्तियों के बिना मिट्टी लगने तक मेड़ों पर मिट्टी चढ़ाते हैं, तो अधिक मिट्टी या जैविक सामग्री युवा आलू के अंकुरों के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, जिससे सिर्फ पत्तियां जमीन से बाहर रह पाएं, जो बाद में मिट्टी के नए टीले के नीचे नए कंद और नए आलू उगाने के लिए प्रेरित करता है। किसान भाई, अपने आलू के मेड़ों पर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर मौसम और फसल के हिसाब से 2 से 3 बार मिट्टी चढ़ा सकते हैं। बुआई का समय। मुख्य रबी की फसल को अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में समय पर बोएं, तो पत्तियों के विकास के लिए अधिक समय प्रदान करने के कारण फसल ज्यादा और समान आकार की उपज देती है। मिट्टी का पीएच और उर्वरता। वैसे तो किसान भाई आलू की खेती सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन जल निकासी वाली रेतीली मिट्टी में आलू सबसे अच्छा उत्पादन देता है। आलू के लिए आदर्श मिट्टी का पीएच स्तर कुछ हद तक अम्लीय होता है, जो 6 और 6.5 के बीच होता है। क्षारीय स्थितियां आलू की त्वचा की गुणवत्ता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। यदि मिट्टी का पीएच अधिक है तो किसान भाइयों को सल्फर 5% डस्ट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ और जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ अम्लीय उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। अधिक उपज के लिए बीज दर और गुणवत्ता। किसान भाइयों को छोटे आकार के कंदों के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़, मध्यम आकार के कंदों के लिए 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ और बड़े आकार के कंदों के लिए 12 क्विंटल प्रति एकड़ बीज दर का प्रयोग करना चाहिए। रोग मुक्त गुणवत्ता वाले कंद का उत्पादन करने के लिए साबुत बीजों का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, टिश्यू कल्चर वाले बीज का प्रयोग करना चाहिए, जो कि कंद बीज रोग मुक्त और 30 से 40 ग्राम वजन वाला अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है। आलू की फसल की दूरी। किसान भाइयों को रोपाई से पहले 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बनानी चाहिए। उसके बाद बीज के टुकड़ों को 10 से 12 इंच की दूरी पर 1 से 3 इंच की गहराई पर मेड़ के बीच में दबा दें। 24 से 36 इंच मेड़ से मेड़ की दूरी होती है। 24 इंच की दूरी अक्सर फायदेमंद होती है, क्योंकि सघन पत्तों की बढ़वार से मिट्टी पर छाया रहने से मिट्टी का तापमान नहीं बढ़ता, जो कंद के विकास के लिए लाभदायक है। समान आकार के आलू के कंद के लिए उर्वरक प्रबंधन। नाइट्रोजन पौधों में वानस्पतिक विकास का काम करता है और फॉस्फोरस कंद के निर्माण का कार्य करता है। वहीं पोटाश कंद का आकार बढ़ाने और पौधों में रोग प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने में मदद करता है। ये देखा गया है कि किसान फॉस्फोरस की आदेशित मात्रा से ज्यादा प्रयोग करते हैं व पोटाश का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं।
एक समान आकार के कंद प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में एनपीके का प्रयोग करें। किसान भाई आलू की खेती दो तरह से कर सकते हैं, एक सिंचित तरीके से और दूसरा वर्षा आधारित तरीके से। ऐसे में अगर उर्वरक की बात करें तो किसान भाइयों को सिंचित तरीके में नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटेशियम प्रति एकड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि वर्षा आधारित तरीके में नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम, पोटेशियम 40 किलोग्राम का प्रति एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और यूरिया की एक तिहाई मात्रा को मेड़ बनाने से पहले डालें। बची हुई दो तिहाई मात्रा को दो बार में मिट्टी चढ़ाने से पहले डालें। किसान भाइयों को फसल में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए 10 किलो जिंक सल्फेट, इसी तरह आलू की फसल में आयरन की कमी के लिए 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट प्रति एकड़ मिट्टी में बुआई से पहले मिलाएं, और बोरॉन की कमी को पूरा करने के लिए 400 ग्राम सोडियम बोरेट प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 बार स्प्रे करें। ये कंद के आकार को बढ़ाता है। बीज के कंद का आकार। बीज का आकार उत्पादित कंदों के आकार को प्रभावित करता है। छोटा बीज समान आकार वाले बड़े बीज की तुलना में बड़े और सामान्य आकार का कंद देता है। किसान भाई आलू की फसल में एनपीके की आवश्यकता के लिए एसएसपी और पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करें। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे द्वितीयक तत्वों की जरूरतें एसएसपी, पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के उपयोग से पूरी होती हैं। आलू में अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन, तांबा, मैग्नीज और जस्ता हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करके उसका 2 से 3 बार फोलियर स्प्रे 15 दिन के अंतराल से करना चाहिए, 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर। सिंचाई। अधिक पानी आलू के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये आलू के पौधों की वृद्धि को धीमा कर देता है और सड़न की संभावना को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये फसल की उपज और गुणवत्ता के लिए हानिकारक होता है। आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई करें। किसान भाइयों को आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहली सिंचाई हल्की और रोपाई के 5 से 7 दिन के बाद मिट्टी के प्रकार और मौसम की स्थिति के आधार पर 7 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छी होती है, जो सबसे अधिक उपज देती है, जो लगभग 50% पानी भी बचाती है। ये सिंचाई का माध्यम उर्वरकों के उपयोग को भी सक्षम बनाता है। फव्वारा विधि पानी को समान रूप से वितरित करता है और रिसाव और पानी के अधिक बहाव से होने वाले नुकसान को कम करता है। सर्दियों की रात में फव्वारा सिंचाई फायदेमंद होती है, क्योंकि ये आलू में पाले से होने वाले नुकसान को कम करती है। कंद के आकार को बढ़ाने के लिए विकास अवरोधक का उपयोग करें। वर्तमान में कुफरी चंद्रमुखी एक प्रमुख किस्म है। ये कंद उपज की कीमत पर अत्यधिक वानस्पतिक विकास करती है। आलू की कोई भी अन्य किस्म जो अधिक वानस्पतिक विकास करती है और कंद का विकास और कंद की संख्या कम रह जाती है, उसमें विकास मंदक का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पष्ट है कि फसल के विकास के उपयुक्त स्थिति में मैपीक्वैट क्लोराइट ग्रोथ रिटार्डेंट का 100 से 150 ppm पर और CCC का 750 ppm पर छिड़काव करना चाहिए। ये आलू की रुपाई के 45 दिन बाद छिड़काव करने पर पत्तियों के बढ़वार को कम करता है और साथ ही कंद के आकार को बढ़ाकर आलू की उपज बढ़ाने में मदद करता है। आलू की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग। वहीं ट्राइकोटनाल 0.05% ईसी की 200 ml मात्रा का 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर रुपाई के 30 दिन बाद और 45 दिन के बाद दो बार छिड़काव करें। इनके अलावा क्लोरोफार्म 50% HN व मैपीक्वैट क्लोराइड 5% AS प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बाजार में उपलब्ध हैं। छोटे आकार के कंद के अन्य सामान्य कारक हैं। किसान भाई, छोटे आलू का आकार होने पर कई कारण होते हैं, जैसे सूरज की रोशनी की कमी, अनुचित पानी, पोषक तत्वों की कमी, उच्च तापमान होने से जल्दी कटाई के कारण भी हो जाते हैं। कुछ आलू की किस्में स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में छोटी होती हैं और यहाँ तक कि एक पौधे पर आलू का आकार अलग अलग होता है।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग बेल को दबाएं ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे।